गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। अपने टैलेंट पर तो सबको नाज होता है, मगर है मुनव्वर आज टैलेंट को तुझ पे नाज। खत पे न खो जाओ, दिमाग भी छोटा रहता, भाग भी छोटा रहता, लेकिन लेकिन पूरे जिस्म पे हुकूमत करता। क्या बात है। मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु। आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है, एंड तक देखना। हमारे आमिर बिन सईद साहब भी आ चुके हैं, देखिए बताइए बड़ा सा कैमरा। क्या बात है, आमिर मॉडल भी आ गए। हाय बड़ी, हाय हाय क्या बात है, ओह बड़ी शख्सियत भी आ गई। बड़ी शख्सियत है ये। कुछ भी नहीं भाई, ऑलरेडी लोग गले मिल लिए थे, वीडियो के लिए फिर से मिल रहे। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। सुहेल भाई कैसे हो रहे हैं, रमजान के रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रोजे जा रहे, अल्लाह का एहसान से पूरे रोजे चल रहे अपने, अल्हम्दुलिल्लाह आगे रह के पूरे रहना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हम लोग कहाँ निकल रहे हैं, आगे आमिर मॉडल है और एक छोटा बच्चा भी हमारे घर में। अरे मामा देख तो सही बन रहा है, वापिस भी देना है गाड़ी, ऐसा नहीं कि एक ही चीज में जाना है। ओके तो अभी हम लोग निकल गए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंचेंगे चाचा और बहुत मजा आने वाला है। चुके हैं हमारे आतिफ भाई के घर पे और यहाँ पे अरेंजमेंट चल रहे हैं और यहाँ पे एक सीक्रेट नहीं, एक प्राइवेट और एक बेहतरीन गेट टुगेदर पार्टी है और इसमें कुछ खास मेहमान भी हैं, वो भी आपको बताएंगे कौन कौन है। और आपको बेटे पब्लिक चल जाएंगे, इधर तुम्हें नहीं है, वो दूसरे जगह है, पब्लिक स्किप कर देंगे कहीं रेनू है क्या मेहमान बोल के। मेरे आज मेरी तारीफ इतनी कहीं को कर रहे हैं भाई, खुसूसी है खास है बोल के समझा लेकिन बेटे ऑर्डर थोड़ा लगा के। अभी एक स्पेशल मेहमान कुछ आए हुए हैं और इन लोगों से ही मिलना है और आज का व्लॉग बहुत जबरदस्त होने वाला है और तैयारियां चल रही। देखिए आप इफ्तार के माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से जो है प्लेटों को सजाया जा रहा है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेन टेबल जल रहा, वो है पैमाना, जाके देखो आप लोग प्लेट के ऊपर प्लेट गिरेगा बेटे वो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अयान खान, आमिर मॉडल और सोहेल सिल्वर एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं, अलग चल रहा चरण में, जोर से बोलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ आधा घंटा बाकी है शायद इफ्तार के लिए और एक एक सेकंड का हिसाब रहता सोहेल के पास, मालूम आपको सबसे ज्यादा रोजा यहाँ सोहेल कुछ लग रहा, आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाँ घंटे नमाज पढ़ते की थोड़ा एक्टिव हो गए, आधा घंटा एक दिखता करते हैं उनको। बॉस फोन पे बात कर रहे हैं, बॉस अल्लाह करम सुबह झाड़ के हमारे साथ भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आज आए हुए हैं, बॉस हमारे आए हुए हैं।
देख सकते आप अलग अलग डालने के एकदम खिलाक अलग कर दे रहे बॉस एकदम आज यहाँ पर पीछे चल रही देखो पूरी प्रिपरेशन चल रही इफ्तार के सारे फ्रूट्स कट हो गए और काफी अच्छे से भैया खजूर भी कट कर रहे और कुछ अच्छा सा डिजाइन बना रहे उसके ऊपर और अच्छे से कटिंग कर रहे और काफ़ी नए नए फ्रूट्स हैं इसके अंदर इसमें से कुछ तो ऐसे कि मेरे को जिसके नाम भी नहीं मालूम तो इफ्तार की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे और अलग अलग फ्रूट्स कट करके प्लेट्स रेडी कर रहे हैं अभी हमारा इफ्तार वगैरह हो गया और अब है मामा हो गया इफ्तार आपका अल्हम्दुलिल्लाह भाई हो गया इफ्तार किसके साथ था देखिए हमारे आतिफ साहब हमारे इरफान भाई और उनकी सारी टीम और मुनव्वर फारूखी और अनीस साबरी साहब और हमारी सारी टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ अभी और भी आगे प्रोग्राम जारी रहा या क्या हुआ मालूम जारी तो चल रहा वो मालूम होगा कई को बोलते हैं अलग काम चल रहा अलग कार्रवाई चल रही रिवील नहीं करना है खाली बताना है इंशाल्लाह खैर तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से इफ्तार हो गया अभी नमाज भी हो गई लेकिन अभी है डिनर टाइम क्योंकि बहुत भूख लगी बिछ गया है दस्तर पीछे और अभी हम लोग करने वाले डिनर यहाँ पर मिलते हैं लतीफ भैया अभी आ गए बहुत लेट हो गए लतीफ भैया हाँ थोड़ा ट्रैफिक थी कहाँ पर लेट हो गए कहाँ पर आने में देर हो गई तो आती है सीने से लेकिन हम नहीं जाते क्या बात हमारी आंख से बरसात के मौसम नहीं जाते हमारी शख्सियत भी मुनफरिद अंदाज भी यकता जहां से हम गुजरते हैं वहां से सब नहीं जाते क्या बात है सर एक और ये वाली वापस क्या बात है पूरा लियो उमर खुशी तो आती है सीने से लेकिन हम नहीं जाते हमारी आंख से बरसात के मौसम नहीं जाते हमारी शख्सियत भी मुनफरिद अंदाज भी एकता जहाँ से हम गुजरते हैं वहाँ से सब नहीं जाते क्या बात है एक और हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है लोग अश्क बहाते हैं तो हम में कुछ है बेवजह किसी पे नहीं मरता कोई इन पे कोई मरता है तो इनमें कुछ है मुनव्वर भैया एक बार अब्बा खादर के अंदाज में कुछ अब्बा खादर के अंदाज में दफन दफन करके मौत डाल देते अरे भोले माशाल्लाह मौत डाल दिए गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है अपने टैलेंट पर तो सबको नाज होता है मगर है मुनव्वर आज टैलेंट को तुझ पे नाज है नाक भी छोटा रहता नाक भी छोटा रहता लेकिन
लेकिन पूरे जिस्म पे हुकूमत करता। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज आतिफ साहब के घर पे हरदिल अजीज और मशहूर और मारूफ अनीस साबरी साहब के साथ आज मौजूद है, और आतिफ साहब की सारी टीम, सारे दोस्त अहबाब, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एजाज की बात है कि हमको भी बुलाया गया। और शहर की नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हटके पूरे दुनिया में जाने जाने वाले, जो कि अपने बचपन के दिनों से लोगों को एक नसीहत इंटरटेनमेंट के साथ एक बहुत ही संजीदा किस्म की शायरी सुनाने वाले हरदिल अजीज अनीस सावी साहब हमारे साथ है। मैं चाहूँगा कि कुछ अशार हमारे चाहने वालों के लिए और कुछ मैसेज भी रमज़ान के ताल्लुक से आप दें तो बड़ी खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ऐसा महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि हमारी मकफ़िरत का महीना है, तो गुजारिश है कि इसमें जितना भी हो सके आप इबादत करें और खूब मज़े लें अल्हम्दुलिल्लाह इबादतों के रहमतों के। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुद एक अजीम शख्सियत हैं, जिनके हम घर पर आते हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आतिफ सौदागर साहब खुद एक अजीम शख्सियत हैं। हमारी खुश नसीबी है कि आज हमें इस पार्टी में आज हम इस पार्टी का हिस्सा बने। हमारी खुश नसीबी अशार, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, क्या बात है, बहुत चराग जलाओगी रोशनी के लिए। बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी की। वाह 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 वाह।